समझ में आ रही हो
तो सीटी को बंद कर ले भाई साउंड वाले। तो साउंड वाला तो सीटी बजा करके जो सम्मान बढ़ा ही रहा है, आप एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान बढ़ा दे। अर्जुन, करण के बाणों से तेरा रथ तीन कदम पीछे हट जाना, समझ ले कि तीनों लोकों के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान हल्का कर दिया महाराज। हाँ, इस करण का मेरी नजर में कोई खास परिचय नहीं है। जब मन में अहंकार आ जाता है तो फिर किसी का कोई परिचय नहीं रहता, केवल अपना परिचय रहता। फिर मैं अपना परिचय देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस करण को मैं भली भांति समझता हूं और आप भी समझते हो। यह करण उस समय भी मौजूद था जिस समय गौहरण के मैदान में मैंने इस करण के साथ में अन्य रथवान और महाबलियों के वस्त्रों को हरण करवा करके उनको उत्तराकुमारी की गुड़िया बनवा दी थी। मुझे पता है, पता है गौहरण के मैदान में तूने क्या बदसलूकी की थी। एक बाण का सामना नहीं कर पाए थे। इन सारे योद्धाओं को तूने बेहोश करके इनके तन के वस्त्र उतरवा लिए, ये अच्छी बात थी तेरी। उतरवाए क्यों थे, उतारे थे? नहीं, उतार जो बेहोश आदमी है वो उतरवा लिए थे? नहीं, उतारे थे वो। उत्तर ने उतारे थे, तूने उतरवाए थे। हाँ, तो मेरी बात सुन, ये कोई योद्धाओं के काम नहीं है। योद्धाओं के काम तो जन पता नहीं क्या क्या नहीं है। मधुसूदन, मैं सब बातों को भली भांति परखता हूँ। परखता तो है लेकिन समझता नहीं है। समझ भी रहा हूँ, लेकिन इस करण की बात कर रहे हो आप? हाँ, ये तो मात्र एक करण है। ऐसे ऐसे यदि 100 करण भी होते तो 100 करणों के भी सर को धड़ से अलग करने की क्षमता रखता है ये कुत्ते पुत्र अर्जुन। भाई एक बार जोरदार ताली बजा दो अर्जुन के लिए। ये कह रहा कि ये तो एक करण है, अगर ऐसे 100 करण भी युद्ध भूमि के अंदर होते तो उन 100 करणों के सर को धड़ से अलग कर देता। एक करण के एक बाण का मुकाबला ढंग से नहीं हो पाया, पर ऐलान 100 करणों के लिए कर रहा है। तेरी इस बात का भी जवाब तुझे दिया जाएगा। कहे हटके बात कहां हृदय में धरू दिया ना, अरे दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। बीच में बैठा है, फिर भी कर्ण के बाण ने तेरे रथ को तीन कदम पीछे हटा दिया।
अगर हनुमान जी ने, शेष नाग ने और कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और इस करण ने अपने बाण का प्रहार इसी वेग से तेरे ऊपर कर दिया तो फिर तेरी क्या दशा होगी, तू समझ सकता है? भली भांति समझ सकता हूँ। समझ गया? हाँ। कैसे समझ सकता है? महाराज आपने सारी बात को विस्तार से बता करके मेरी आंखों पर जो अहंकार की पट्टी थी उसे खोल दिया है जी। वाकई करण बहुत बड़ा बहादुर है और इसका नाम भी कई लोगों में गूंज रहा है, इतने में ही समझ जाइए। चलिए कैमरामैन भाई साहब यहां से लेना। ये अंधेरा आंखों में छा गया, रोशनी ही जचा दो प्रभु, जानते हो हाल जाल माया का रचा दो प्रभु, भूलू ना मैं तो भूलू ना ऐसा न जान मेरी करण से बचा दो प्रभु, भूलू ना शर्म की होगी लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी